इसमें यह है कि सोयाबीन को 5 से 6 घंटे भिगोना हमने। फर्स्ट पार्ट ग्राइंडर में हम साथ में पानी डलेगा, साथ में सोयाबीन डलेगी, दूध एक साइड सेपरेट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं बैलेंस टैंक। जो उकारा है वो बैक साइड चला जाएगा। ये जो स्पोर्ट है ये उसके लिए है कि आप सोयाबीन इसके ऊपर रख के आराम से इजिली उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मिल्क ट्रांसफर पंप। ये SS304 का है, इसका आउटर भी 304 है, इम्पेलर भी 304 है। ये है पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू दूध जो है ऑटोमेटिक स्टेरलाइजर के अंदर आएगा। ये है मिल्क स्टेरलाइजर, डबल इंसुलेटेड है। इसमें जो टेम्परेचर है वो चाहिए होगा हमें 100 डिग्री। ये बॉयलर है, बॉयलर की अभी हमने फिटिंग नहीं की क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट में देते हैं तो बॉयलर बिना फिटिंग के जाता है। लड़का वहां जाएगा, इंस्टॉल करेगा, 2-3 दिन की ट्रेनिंग देता है तो वहां पे सारा इंस्टॉलेशन वगैरह करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है लास्ट में वो पनीर प्रेस। इसमें जो है हम पनीर की टिक्की तैयार करते हैं, ये भी इसी प्लांट के साथ मिलेगी। ये जो पूरा प्लांट है ये 1 घंटे के अंदर 140 लीटर की कैपेसिटी देगा, लगभग 25 किलो के आसपास पनीर बनाएगा, 24 से 25 किलो। तो इसकी जो पूरा ये प्लांट है ये 140 लीटर पर आवर का प्लांट है, जो हमारा स्टार्टअप प्लांट है